और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं और इसके तहत परिवहन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती है, वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। जैसे श्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन का शासन पूरे देश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी हमने बदलाव किया है। कल 1 जुलाई से विभिन्न जो RTO के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिल रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो RTO का अपना मूल काम है, उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शासन सुशासन के लिए जाना जाता है और मैं भी अपना प्रयास है कि जहाँ जहाँ भी कोई शिकायतें आएगी, सरकार वहाँ सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद करता हूँ कि RTO के इस चेक पोस्ट के बाद हमारे बड़े पैमाने पर आवागमन वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों के संचालकों को, चालकों को, सबको कोई असुविधा नहीं होगी।